वेलकम बैक टू माय स्टूडेंट्स। तो स्वागत है मेरे चैनल पॉट बैटल बॉटनिस्ट पे। तो आज का हमारा चैप्टर है ह्यूमन रिप्रोडक्टिव रिप्रोडक्शन। वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत ही इंटरेस्टिंग भी है। अगर आप ध्यान दोगे तो आपको ये चीज़ें समझ आएंगी। तो दिस इज एन जस्ट थॉट, यू हैव टू जस्ट रीड इट, क्योंकि हमेशा पढ़ते ही नहीं रहना, थोड़ा सा काम भी करना है और थोड़ा सा आपको अटेंटिव भी रहना है, थोड़ी सी एक्सरसाइज, हर चीज़ ज़रूरी है लाइफ में। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की मैं बात करता हूँ, आई एम नॉट टेकिंग अवे टू मच टाइम। तो अगर मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करें, दिस इज इन अ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जिसके अंदर आपका वास डिफरेंस आता है, ये पिनस, यूरेथ्रा जिसके से यूरिन आपकी रिलीज आउट होती है, एपिडिडमिस, टेस्टिस, काउपर्स ग्लैंड, इजेकुलेटरी डक्ट, प्रोस्टेट ग्लैंड एंड सेमिनल वेसिकल, ऑल ऑफ दिस इंक्लूडेड इन अ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में अगर मैं बात करूं तो सबसे पहला हमारा टॉपिक है आज का प्राइमरी सेक्स ऑर्गन या प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। अगर हम मेल की बात कर रहे हैं तो मेल के प्राइमरी सेक्स ऑर्गन के बारे में हम पढ़ेंगे, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है इन मेल, यानी गोनाड्स जो है इन मेल में, दैट इज टेस्टिस। देखो, गोनाड्स आपके सेक्स ऑर्गन्स में आएंगे। गोनाड्स चाहे मेल हो या फीमेल हो, दोनों के लिए हम इसका वर्ड को यूज करते हैं। तो मेल के गोनाड्स क्या है? टेस्टिस। ठीक है, आपने एक वर्ड सुना होगा टेस्टिकल्स। टेस्टिकल वर्ड आपका टेस्टिकल, टुगेदर विद टेस्टिस जब आपका एपिडिडमिस अटैच होता है, या एपिडिडमिस के साथ हम टेस्टिस को बोलते हैं टेस्टिकल। एपिडिडमिस के साथ अगर टेस्टिस को इंक्लूड करें तो टेस्टिकल कहलाता है। तो क्या है, हम प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्यों बोल रहे हैं गोनाड्स या टेस्टिस को? इसलिए बोल रहे हैं बिकॉज ऑफ द, ये काफ़ी चीज़ों में डायरेक्ट इन्वॉल्व करता है, जैसे गैमेटोजेनेसिस। इट इज डायरेक्टली इन्वॉल्व इन गैमेटोजेनेसिस। आई होप सो मैंने आगे लिखा हो वीडियो में, हाँ ये रहा, डायरेक्टली इन्वॉल्व इन गैमेटोजेनेसिस। तो बिफोर आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन वाई इट इज कॉल्ड एन अ प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, एक बार हम इसका ये एलएस देख लेते हैं। दिस इज एन अ साइड व्यू and this is in a frontal view of an human reproduction ya male reproductive organ, that is aapka ye frontal view hai, theek hai। two testes are present। to ab hum chalte hain gametogenesis, formation of an gametes ka formation in male is known not in male, in both male or female dono mein जब गैमेटोजेनेसिस होता है तो इट इज जस्ट नॉन एज फॉर्मेशन ऑफ एन गैमेट्स। अब ये गैमेट्स किस तरह के हैं डिपेंड करेगा उनका नाम। जैसे स्पर्मियोजेनेसिस क्या कहते हैं? स्पर्मेटोजेनेसिस, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म। ओजेनेसिस क्या है? फॉर्मेशन ऑफ एग। ठीक है, तो फीमेल में एग बनता है और मेल में स्पर्म प्रोड्यूस होता है। तो आपका प्राइमरी सेक्स ऑर्गन गोनाड टेस्टिस जो है, हम इसको प्राइमरी सेक्स ऑर्गन इसलिए कहते हैं क्योंकि इसका डायरेक्टली इन्वॉल्व है स्क्रोटल में, सॉरी गैमेटोजेनेसिस में। क्लियर हो गया? और आपके ये जो टेस्टिस हैं, दीज आर प्रेजेंट आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी इन ए पाउच लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड एज एन स्क्रोटम। ये पाउच लाइक स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होते हैं, दैट इज कॉल्ड एज एन स्क्रोटम। आप देखोगे स्क्रोटम, there is a two testes present in a male, each is present in a scrotum which is lie outside the abdominal cavity, और ये दोनों testes आपके separate होते हैं एक septum से, जिसको हम बोलते हैं scrotal septum। इसको आप normally externally भी देख सकते हो, यानी physically अगर आप देखो externally भी देख सकते हो। स्क्रोटल सेप्टम वी कॉल इट इज बिकॉज ये इंटरनली हम इसको स्क्रोटल सेप्टम कहते हैं। अगर इंटरनल अगर आप डाइसेक्शन करोगे, अगर आपको तब ये सेपरेशन दिखता है तो इसको बोलते हैं स्क्रोटल सेप्टम। बट आउटसाइड जो फिजिकली आपको दिखती है उसको हम बोलते हैं स्क्रोटल रेफे। ठीक है, दैट्स इन अ डिफरेंट थिंग। अब आप देखोगे इन मेल ईच स्क्रोटम
आपका जो है या आप स्क्रॉटम नहीं कीजिए, टेस्टिस कहिए, क्योंकि स्क्रॉटल इज इन अ पाउच लाइक स्ट्रक्चर। आपका जो लेफ्ट टेस्टिस है वो स्लाइटली लोअर होगा एज कम्पेयर टू राइट। ऐसा क्यों होता है? लेफ्ट टेस्टिस इज स्लाइटली लोअर एज कम्पेयर टू राइट टेस्टिस। क्यों? कोई इसका मतलब जेनेटिकली रीजन नहीं है, कोई भी इससे स्पर्म प्रोडक्शन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। जरूरी नहीं है कि हमेशा हो, इट कैन बी प्रेजेंट एंड एन इक्वल बैलेंस, इक्वल बैलेंसिंग पे भी प्रेजेंट हो सकता है। लेकिन इसके पीछे सिर्फ रीजन ये है, व्हेन यू आर क्लोज, जो लेफ्ट एसिड है वो थोड़ा सा स्लाइटली लोअर होगा राइट एसिड से। जनरली इसके पीछे कोई साइंटिफिक रीजन नहीं है, कोई जेनेटिक रीजन नहीं है। ये एक तरह से आप ये कह सकते हो, व्हेन यू आर क्लोजिंग योर लेग्स तो ये टेस्टिस आपके क्रश ना हो जाए, इसलिए ये स्लाइटली लोअर होता है। ठीक है, आपके क्रशिंग ना हो जाए, तो फिजिकली एक रीज़न कह सकते हैं हम इसको, साइंटिफिकली कोई रीज़न नहीं होता। ऐसा नहीं है कि हमेशा ये आपका लोअर होगा लेफ्ट, ये इक्वल बैलेंस पे भी प्रेजेंट हो सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं स्क्रोटम। स्क्रोटम क्यों प्रेजेंट है आउटसाइड? व्हाई टेस्टिस आर प्रेजेंट आउटसाइड अवर बॉडी? जो स्क्रोटम है वो एक्चुअल में एक थर्मो रेगुलेशन का काम करती है। इट एक्ट एज एन अ थर्मो रेगुलेशन। आपने कुछ क्लिनिकल कंडीशन देखी होगी जिसमें आपका क्या होता है, जो ये टेस्टिस है इट कैन नॉट descended into scrotum या it cannot migrated into scrotum। आपका scrotum के अंदर testis हमेशा से नहीं present होता। जब baby 7 to यानी मतलब mother के पेट में होता है, already mother के stomach में है, तब testis उसके internal abdominal cavity में present होता है। यानी जब male body, यानी जब आपका बेबी ये पता चल गया कि दैट इज इन अ मेल, तो उसके जो टेस्टिस फॉर्म्ड हो रहे हैं वो 7 to 8 वीक में प्रेगनेंसी के बाद इंटरनल एब्डोमिनल कैविटी में ही बनते हैं। आफ्टर दैट दे हैव टू बी माइग्रेटेड। या ये कह सकते हो कि जब 7 to 8 मंथ आता है प्रेगनेंसी का या एट द टाइम ऑफ बर्थ, दे हैव टू बी माइग्रेटेड इन टू द स्क्रोटम। स्क्रोटम रीजन में माइग्रेट होके आते हैं। ठीक है, ऐसे माइग्रेट, तो एब्डोमिनल इंटरनल एब्डोमिनल कैविटी में प्रेजेंट है जब आप 7 to 1 month year old होता है बेबी, तब आपका ये एब्डोमिनल रीजन में प्रेजेंट होता है। एंड दे हैव टू बी माइग्रेटेड व्हेन बेबी इज 7 to 8 month old और एट द टाइम ऑफ बर्थ। लेकिन कुछ ऐसी कंडीशंस हो जाती हैं कि बर्थ के बाद भी आपका ये स्क्रोटम में टेस्टिस माइग्रेट होके नहीं है, उस कंडीशन को हम बोलते हैं क्रिप्टोऑर्किडिज्म। क्रिप्टोऑर्किडिज्म क्या है? इसके अंदर टेस्टिस का डिसेंडेंट फेलियर हो जाता है, यानी स्क्रोटम रीजन में टेस्टिस आ नहीं पाते। ठीक है, इट कैन बी यूनिलैटरल, इट कैन बी बायलैटरल, डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ टेस्टिस डिसेंडेंट इनटू स्क्रोटम। अगर एक नहीं आ पाता तो उसे यूनिलैटरल कहते हैं, दोनों नहीं आ पाते तो उसे बायलैटरल कहते हैं। अब क्या होगा, जब बर्थ हो गया बेबी का और उसके स्क्रोटम में टेस्टिस नहीं है, तो डॉक्टर्स जो हैं वो 1 month तक वेट करेंगे। ठीक है, अगर फिर भी स्क्रोटम में टेस्टिस माइग्रेट होके नहीं आते, तो वो उस बेबी को एक सर्जरी से पास ऑन करेंगे, जिसको बोलते हैं हम ऑर्किडोपेक्सी। ठीक है, ये ऑर्किडोपेक्सी कराना बहुत ज़रूरी होता है, अदरवाइज दैट बेबी इज ऑलवेज रिमेन स्टराइल, वो स्टराइल रह जाएगा। क्यों? क्योंकि टेस्टिस आपके उसके इंटरनल एब्डोमिनल में ही प्रेजेंट हो गए। लेकिन जब ये पहले से ही इंटरनल एब्डोमिनल में थे, एंड व्हाई इट हैव टू बी माइग्रेटेड, इसके पीछे भी एक बहुत बड़ा रीजन है, क्योंकि आपने देखा होगा मैनी मैमल्स हैव एन टेस्टिस प्रेजेंट आउटसाइड द एक्सटर्नल एब्डोमिनल। क्यों? क्योंकि जो स्पर्म प्रोडक्शन हो रहा है, स्पर्म प्रोडक्शन, उसके मैच्योरेशन और उसके स्टोरेज के लिए 2-3 degree कम टेम्परेचर चाहिए होता है एज कम्पेयर टू बॉडी। बॉडी का जो टेम्परेचर है उसे 2-3 degree कम होना चाहिए, इन तीनों चीज़ों के लिए, प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म, उसके मैच्योरेशन के लिए और उसके स्टोरेज के लिए। दैट्स वाई टेस्टिस आर प्रेजेंट आउटसाइड द एक्सटर्नल एब्डोमिनल कैविटी, इन्हें पाउच लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड एज स्क्रोटम। स्क्रोटम क्या है? स्क्रोटम फेवरेबल एनवायरमेंट प्रोवाइड करा रहा है।
एक स्पर्म को हेल्दी प्रोडक्शन करने के लिए, उसका प्रोडक्शन हेल्दी रहे, इसलिए स्क्रोटम उसको फेवरेबल एनवायरनमेंट देता है। जैसे ही ये टेस्टिस आपके स्क्रोटम में आ जाते हैं, इट्स स्टार्टिंग प्रोड्यूसिंग स्पर्म। लेकिन इसमें कौन से ऐसे सेल्स हैं जो स्पर्म प्रोडक्शन करते हैं? दैट इज सेमिनल स्पर्मेटोगोनिया, मैं कहूंगा अभी। स्पर्मेटोगोनिया इज टेम्परेचर सेंसिटिव, बहुत टेम्परेचर सेंसिटिव होता है। हल्का सा टेम्परेचर अगर इसका राइज अप हो जाए, जितना टेम्परेचर इसको चाहिए उससे ज्यादा टेम्परेचर हो जाए, तो ये डेड हो जाते हैं। दैट्स वाई अगर ये डेड हो जाएंगे तो स्पर्म प्रोडक्शन नहीं होगा, स्पर्म प्रोडक्शन नहीं होगा तो वो मेल स्टराइल हो जाएगा। लेकिन हाँ, दैट मेल हैव एन ऑल ऑफ द मेल करेक्टर लाइक एन वॉइस, मस्कुलर बॉडी, सारे मेल करेक्टर होंगे एक्सेप्ट द प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म। ऐसा क्यों? बिकॉज जो हॉर्मोन प्रोड्यूसिंग सेल हैं, विच इज कॉल्ड एज एन इंटरस्टीशियल सेल और लेडिक सेल्स हैं, दैट आर नॉट सेंसिटिव टू टेम्परेचर। उनका टेम्परेचर पे, मतलब उन पे टेम्परेचर का कोई अफेक्ट नहीं होता, ठीक है। तो कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म भी होते हैं जिनमें ये टेस्टिस टोटली इंटरनल प्रेजेंट होता है बॉडी के, दैट इज एलिफेंट हो गया या डक बिल प्लेटिपस हो गया, विच इज एन एगलिंग मैमल। तो यहाँ तक हमने कर लिया था। अब यहाँ पर मैंने आपको एक साइंटिफिक टर्म बताई है, क्रिप्टोर्किडिज्म, ऑर्किडोपैक्सी, दो साइंटिफिक टर्म कर चुके हैं। इनको ना नोट डाउन करते रहिएगा अपनी कॉपी में, फिर आप नोट्स बना लिए। अब तीसरी हम पढ़ने जा रहे हैं कैस्ट्रेशन। कैस्ट्रेशन है, सी नहीं है बीच, सी ए एस टी आर ए टी आई ओ एन। ये क्या होता है? रिमूवल ऑफ गोनाड्स। और जैसे मैंने आपको बताया था, गोनाड्स जहां वर्ड आ गया, हम मेल और फीमेल दोनों की बात करें। अब गोनाड्स का रिमूवल होना क्यों जरूरी है? तो इससे पहले, कैस्ट्रेशन से पहले मैं ये आपको बता दूं कि क्रिप्टोर्किडिज्म इन चार तरह का होता है, इन तीन तरह का होता है सॉरी। सबसे ज्यादा आपका स्क्रोटल रीजन में टेस्टिस रह जाता है, उस तरह का इग्नुअल कैनाल में रह गया 25% होते हैं केसेस, एब्डोमिनल के सबसे कम होते हैं। तो कैस्ट्रेशन की मैं बात कर रहा था। कैस्ट्रेशन वर्ड ज्यादातर ओवरी के रिमूवल के लिए आता है, लेकिन मेल के रिमूवल के लिए एक न्यू टर्म है जिसको हम बोलते हैं ऑर्किडोडेक्टोमी। इसमें हम सर्जिकल रिमूव करते हैं टेस्टिस का। व्हाई टेस्टिस इज रिमूव फ्रॉम द मेल बॉडी? कभी कभार क्या हो जाता है, ह्यूमंस की अगर मैं बात करूँ, इन ह्यूमंस जैसे जैसे इंसान ओल्ड होता जाता है, ड्यू टू सम डिजीज लाइक एन टेस्टिस कैंसर या कोई भी कैंसर हो गया जिसमें हमें प्रोस्टेट ग्लैंड को रिमूव करना पड़ता है, उसके साथ हम टेस्टिस भी रिमूव कराते हैं। अब आपने एक वर्ड सुना होगा ऑक्स, और एक वर्ड सुना होगा बुल। क्या डिफरेंस होता है ऑक्स और बुल में? दोनों ही सेम है, बट डिफरेंस इतना है कि एक में टेस्टिस प्रेजेंट है और एक में टेस्टिस नहीं है, ठीक है। तो बुल देखे होंगे कि आपने, बुल फाइट्स में बुल यूज होती है और ऑक्स फील्ड्स में यूज होता है प्लॉइंग के लिए। तो बुल बहुत अग्रेसिव होता है एक्चुअल। इन मेल अग्रेशन इज जस्ट नॉट नॉर्मल, ये नॉर्मल नहीं है। इट इज बिकॉज ऑफ एन हार्मोन, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। ये इस हार्मोन की वजह से होता है। इस हार्मोन का एक्सेस अमाउंट में प्रोड्यूस होना कैन रिस्पॉन्सिबल फॉर हायर एग्रेशन इन मेल। आपने सुना होगा कि बोलते हैं हाथी पागल हो गया, नहीं, वो एक्चुअल में उसमें इस हार्मोन का लेवल इतना राइज अप हो जाता है, वो पागल जैसी हरकतें करने लग जाता है। तो जितने भी आपके सेक्स प्रोड्यूसिंग हार्मोन्स हैं, जैसे टेस्टोस्टेरोन हार्मोन या सेक्स प्रोड्यूसिंग सेल्स जो हार्मोन रिलीज करते हैं, इंटरस्टीशियल और लेडिक सेल्स, तो दीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एग्रेशन। तो बुल क्या होता है? बहुत एग्रेसिव होता है। तो जब हमने कैस्ट्रेशन कर दिया, ऑर्किडेक्टोमी कर दिया, तो आपका ये बुल डोसाइल हो जाएगा। डोसाइल मीन्स नाउ इट हैव एन लीस एग्रेशन, ठीक है, इसको हम लीस्ट एग्रेशन बोलेंगे, क्लियर है। तो ऑक्स में हमने, यानी कैस्ट्रेटेड बुल इज नॉन एज ऑक्स, हमने बुल में से टेस्टिस को रिमूव कर दिया, क्लियर है।
यहाँ तक आपका एक वर्ड आ गया कैस्ट्रेशन और ऑर्किडोडक्टोमी, एक और ऐड अप हो। अब बात चलते हैं यहाँ पर मोनोकॉर्डिज्म। मोनो का मीन्स सिंगल, कॉर्डिज्म का अभी हमने मीटिंग पढ़ा था। अगर एक ही टेस्टिस का माइग्रेशन नहीं हुआ है एब्डोमिनल से स्क्रोटल रीजन में तो उसको मोनोकॉर्डिज्म बोलेंगे। अब मोनोकॉर्डिज्म कंडीशन में ऑर्गेनिज्म इज नॉर्मल, मेल इज नॉर्मल, इट हैव टू बी मतलब उस स्पर्म प्रोडक्शन भी उसका नॉर्मल रहेगा, कोई इफेक्ट नहीं रहेगा, तो इस ऐसी केसेस में हम सर्जरी के लिए उसको नहीं बोलेंगे। क्यों? क्योंकि आपका क्या है, एक टेस्टिस इज इनफ टू प्रोड्यूसिंग इन अ स्पर्म प्रोडक्शन, देयर इज इन अ लार्ज नंबर ऑफ स्पर्म प्रोड्यूसिंग इन अ मेल बॉडी, लार्ज नंबर ऑफ स्पर्म प्रोड्यूसिंग होते हैं, ठीक है। और जरूरी नहीं कि ये सारे के सारे ही आपके फर्टिलाइज करेंगे, उसमें से सिर्फ एक ही स्पर्म होता है जो फर्टिलाइजेशन करता है। तो आपने पढ़ा होगा FSH और टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की, जो टेस्टिस के डिसेंडेंट में भी हेल्प करता है स्क्रोटम में, एज वेल एज आल्सो इज ए एंड्रोजन हार्मोन्स, इनको कहते हैं एंड्रोजन स्टेरॉइड्स, मेल सेक्स हार्मोन। तो आप मैं कहां पढ़ता, मोनोकॉर्डिज्म। तो मोनोकॉर्डिज्म में नॉर्मल आपका स्पर्म प्रोडक्शन होगा, स्पर्म प्रोडक्शन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो आपका क्या होता है, जब ये स्पर्म फर्टिलाइजेशन नहीं कर रहे हैं, तो रेस्ट ऑफ द स्पर्म इज हैव टू बी डेड, उनको डेड होना पड़ेगा। अगर वो डेड नहीं होंगे तो एक प्रेशर कंटेन होगा एपिडिडमिस रीजन में, जिसकी वजह से इट कैन बी बस्ट, वो बस्ट हो सकती है, ठीक है। तो ऐसे केसेस में हमें सर्जिकल रिमूवल भी करना पड़ता है गोनाड्स का, कि अगर बस्ट हो गया है तो टेस्टिस विल हैव टू बी रिमूव फ्रॉम दी बॉडी। ये तो थी मोनोकॉर्डिज्म की बात, ये आपका नॉर्मल कंडीशन में भी हो सकती थी जो मैंने बोला। पॉलीकॉर्डिज्म, एक से ज्यादा टेस्टिस प्रेजेंट है, ठीक है, बहुत ही रेयर है। सिंकॉर्डिज्म, दोनों टेस्टिस जॉइंटेड है, ठीक है। अब आपके मैं जस्ट मुझे 2 मिनट्स दीजिए। तो मैं एपिडिडमिस की बात कर रहा था, कि एपिडिडमिस जो मैं ये बोल रहा था कि आपका बस्ट हो जाता है, तो बस्ट होने से बचने के लिए एक रीजन प्रेजेंट होता है टेस्टिस के ऊपर, उसको हम बोलते हैं एपिडिडमिस। तो एपिडिडमिस क्या है एक्चुअल में, एपिडिडमिस मैं आपको यहाँ दिया था, एपिडिडमिस इज जस्ट नॉट एन इट इज ए रिसाइकलर, ये रिसाइकलर सेंटर है स्पर्म का, ये स्पर्म को रिसाइकल करता है, ताकि ये स्पर्म आपके कंटिन्यूसली फॉर्म्ड होने के बाद डेड होते रहें। अगर ऐसा नहीं होगा, इंटर टेस्टिकुलर प्रेशर इतना इंक्रीज हो जाएगा, इट विल बी बस्टिंग द टेस्टिस। तो आज के लिए हम इतना रखते हैं, बाकी का हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो अभी तक मैंने ये कंडीशंस बताई, तो नेक्स्ट क्लास में हम क्या पढ़ेंगे मैं उसको आपको एक बार क्लियर कर देता हूँ। तो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे TS ऑफ एन टेस्टिस, उससे पहले इंग्यूनल हर्निया का मैं आपको कुछ एग्जांपल दूंगा, जिससे क्वेश्चंस बहुत अराइज होते हैं और NCERT में डिलीटेड पोर्शन है ये। पहले होता था पुरानी NCERT में, अब थोड़ा सा डिलीट कर दिया गया, लेकिन उसमें भी कंडीशंस आपकी निकल जाती। तो और एक और क्वेश्चन के बारे में मुझे डिस्कस करना है, ओलिगोस्पर्मिया, एक चीज और मिल गई है हमें ओलिगोस्पर्मिया, तो इसके बारे में भी हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। इसको हम बोलते हैं स्पर्म काउंट। आपने देखा होगा कि जैसे जैसे वक्त बीतता जा रहा है, फ्रॉम 20 to 25 years स्पर्म काउंट इज गेटिंग रिड्यूस इन मेल, बहुत ही रिड्यूस होता जा रहा है। वेस्टर्न कंट्रीज में तो हाफ हो गया, तो इसके पीछे क्या रीज़न है वो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, क्या फैक्टर्स हैं, क्या उनसे फैक्टर रिस्पॉन्सिबल हैं, क्या फिजिकल फैक्टर हैं, या जो हमारा लाइफस्टाइल है वो रिस्पॉन्सिबल। तो आज के लिए इतना रखते हैं, थैंक यू सो मच, प्लीज़ लाइक माय वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल, थैंक यू।